11 दिनों के युद्ध के दौरान हमास को नस्त नाबूद करने का निर्णय लेने वाले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। जी हां, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब आगे प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन्हें वहां के राष्ट्रपति ने 2 जून तक बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद नेतन्याहू बहुमत साबित नहीं कर पाए, जिसके बाद अब खबर है कि नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी हां, इजराइल में लंबे समय से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई लगभग तय हो चुकी है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इसी साल के मार्च में चुनाव के दौरान नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका था, लेकिन चुनाव के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद इजरायली राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन ने नेतन्याहू को सरकार बनाने और 2 तारीख तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया था, लेकिन नेतन्याहू के पार्टी द्वारा तमाम प्रयासों जोर तोड़ के बावजूद उनको मिले 2 जून के डेडलाइन तक बहुमत साबित नहीं कर पाए, जिसके बाद खबर है कि वहां के विपक्षी नेता येर लिपिड ने ऐलान किया है कि इजराइल की विपक्षी पार्टियों के बीच नई सरकार बनाने को लेकर सहमति बन गई है। इस बीच नए गठबंधन में इजराइल की 8 पार्टियां शामिल हो सकती है। लेपिड ने बताया है कि सहमति के अनुसार पहले यामीना पार्टी के प्रमुख नेफ्ताली बेनेट इजराइल के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। 2 साल बाद उनकी जगह यस एटिड पार्टी के नेता येर लेपिड खुद प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बने इस गठबंधन में इजराइल में अरब समुदाय का एक प्रतिनिधित्व करने वाली राम पार्टी भी शामिल है। इजरायली मीडिया में इस समझौते पर दस्तखत करते विपक्षी नेताओं की एक तस्वीर भी वायरल हुई है, जिसमें यस एटिड, नेफ्ताली और राम पार्टी के मंसूर अब्बास दिखाई दे रहे हैं। नए समझौते के बारे में इजरायली राष्ट्रपति को विपक्षी दलों ने सूचित भी कर दिया है, और हो सकता है कि जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाकर बहुमत साबित किया जाएगा कि हमास के द्वारा इजरायल के जो नीति हैं उनमें कुछ बदलाव किया जाता है या फिर नेतन्याहू सरकार के नीति को ही कायम रखा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अरब के जो समर्थक पार्टी है राम पार्टी के मंसूर अब्बास, वो अगर इस सरकार में शामिल होते हैं तो ज़रूर ये होगा कि वहाँ पर जो हमास और इजराइल के बीच जो तनाव है उसको लेकर एक अलग रणनीति बनाई जाएगी। होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा। आप तब तक के लिए मोबाइल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।